इटलावत में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकों को पिछले कई माह से वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन न मिलने से नाराज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकों ने बामनिया रोड से तहसील कार्यालय तक एक रैली निकालकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम तहसीलदार जगदीश वर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के सितंबर 2019 से जून 2022 तक के वेतन में गड़बड़ी हुई है। पिछले दो वर्षों से लगातार वेतन समय पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कई बार जिला स्तर पर मामले की जानकारी देने के बाद भी कोई निराकरण नहीं हुआ, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन देते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के द्वारा मांग की गई है कि जल्द से जल्द सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को वेतन को लेकर आ रही समस्या के मामले में निराकरण किया जाए, अन्यथा आगे भी आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस दौरान पिटलावत सहित क्षेत्र की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं मौजूद रही। जैसा कि मेरे साथ वाले दीदी ने बताया है कि 1 से 10 तारीख के बीच में हर महीने सैलरी जमा हो जाना चाहिए, और अक्सर होता ये है कि कभी 5:30 जमा होते हैं, कभी 4:30 होते हैं, तो इनसे घर का खर्चा हमें कैसे उठाना। यूँ कुछ कार्यकर्ताओं का तो घर का खर्च इसी के आधार पर डिपेंड है। यूँ और अभी 1 साल पहले 1500 रुपये मानदेय बढ़ाए जाने की बात मोदी जी द्वारा की गई थी, लेकिन वो आज दिन तक हमें मिले नहीं। बढ़ाना तो दूर की बात है और उल्टा और घट गया। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तब क्या करेंगे आगे? हम प्रदर्शन करेंगे 7 दिन बाद। मैं चौहान पेटलावत से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। हम लोगों का हर महीने वेतन जमा नहीं होता, उसमें हम लोगों को बहुत दिक्कत आती है। कई बहनें तो इसी पे डिपेंड रहती है कि हमारी सैलरी आई और हम घर चलाए कैसे चलाए। ना तो 4,500 करते हैं, उसमें 4,500 में ना तो किराना आता है ना कुछ नहीं आता, हम कैसे खर्चे। त्यौहार के दिन भी हम लोग सैलरी के लिए बैठे रहते, हमारे पास सैलरी नहीं आती, तो हम करें क्या करें। इसलिए हमारी यही मांगे है कि हमारी सैलरी 1 से 10 तारीख के बीच में हो जाना है। कम सैलरी मिलती है 10,000, उसमें भी हम लोग घर में कर लेते हैं, फिर भी हमारे पास 10,000 सैलरी भी बराबर टाइम से नहीं आती। 4:30 करते हैं या फिर 5:30 करते हैं, और कहीं कहीं तो होती भी नहीं है 2 महीने तक। बस यही कहना सर, पिछले साल भी हमारा 2 महीने का वेतन है वो जमा नहीं हुआ है, और इस बार भी हमारा वेतन फरवरी से गड़बड़ा रहा है। फरवरी से 4,500 रुपये कुछ के जमा हुए हैं और कुछ के नहीं हुए। हमारी यही मांगे हैं कि हमारा वेतन 1 से 10 दिन तक मिल जाना चाहिए, नहीं तो हम अपनी मांगों के लिए आगे भी प्रदर्शन करेंगे। बस हमारी हम काम पूरे सब व्यवस्थित अपना दिल लगा के करते हैं, सिर्फ हमारी यही मांग है कि हमारा वेतन जमा हो जाना चाहिए। यही हमारी परियोजना से और आगे जिले से ये मांग है कि हमारा वेतन समय पे जमा हो जाना। हमें वेतन तो पूरा आ रहा है, लेकिन हमारे 2 किस्तों में आता है अतिरिक्त वेतन, और 5,500 जो आता है वो वेतन है, और 4,500 आता है हमारा अतिरिक्त वेतन। उसमें से हमारे आधे पैसे आ गए और आधे एरर में फंस गए। ये पिछले साल के हैं 2021 के। हमारी क्या मांगे? हमारा वेतन जो पिछला बकाया है वो हमें प्राप्त हो और समय पर वेतन मिलता रहे। दोपहर न्यूज़ के लिए पटलावत से नीलेश सोनी की रिपोर्ट।